बीते दिन लोकसभा में बजट सत्र की कार्यवाही के दौरान उस वक्त बवाल मच गया जब पंजाब के पूर्व सीएम और वर्तमान में कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी और केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बीच तीखी बहस छिड़ गई, जहां चरणजीत सिंह चन्नी ने कई मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार को घेरा तो वहीं रवनीत सिंह बिट्टू ने जमकर पलटवार करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला। चन्नी ने बजट को गरीब विरोधी, किसान विरोधी और पंजाब विरोधी करार दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने एजेंसियों को विरोधी दलों के नेताओं के पीछे लगा दिया, देश में अघोषित इमरजेंसी जैसे हालात हैं। साथ ही चन्नी ने अपनी बात को साबित करने के लिए अमृतपाल सिंह का भी जिक्र कर डाला। माननीय चेयरमैन, मुझे लगता है कि जो ये सरकार वाले हैं 10 साल राज करके एग्जॉस्ट हो गए और अब इनके पास कोई आइडिया नहीं बचा है और कोई सिंसियरिटी भी नहीं है। कितनी महत्वपूर्ण चर्चा देश के बजट पे हो रही है और जब से चर्चा शुरू हुई है मैं देख रहा हूँ ना प्रधानमंत्री जी, ना होम मिनिस्टर, ना फाइनेंस मिनिस्टर। आप उस तरफ देखो, वो खाली कुर्सियों को देखो, ये खाली कुर्सियों को देखो, मंत्री बैठे हुए हैं, ये उनका इंतजार कर रही है कि कहाँ है हमारा फाइनेंस मिनिस्टर। ये सिंसियरिटी है इनकी मैडम, ये सिंसियरिटी है। बैठे हुए हैं आप लोग, थोड़ा सा शांति बना के रखिए। माननीय सदस्य बोल रहे हैं, कहाँ है इनके मेंबर, कहाँ है प्राइम मिनिस्टर, कहाँ है होम मिनिस्टर, माननीय कहाँ है हमारे वित्त मंत्री जिन्होंने बजट पेश किया और उनको हमने बताना है कि बजट में क्या नहीं दिया आपने और क्या दिया। ये सिंसियरिटी है, देश पूछ रहा है, हमारे सब लोग पूछ रहे हैं कि आपकी सरकार की सिंसियरिटी क्या है। स्पीकर साहब, माननीय चेयरमैन जी, मैं जब जीत कर आया सबसे पहले मैंने माननीय श्री अंबेडकर साहब की मूर्ति पे नमन करना चाहा। मैं वहाँ गया तो वहाँ मूर्ति नहीं है, वहाँ से उठाकर पीछे कर दी गई कहीं। लेकिन ये लोग समझ ले कि ये मूर्ति पीछे कर सकते हैं अंबेडकर साहब की, उनकी सोच पीछे नहीं कर सकते, ये उनकी सोच को मार नहीं सकते और उनको इस संविधान जो उन्होंने दिया है उसको बदल नहीं सकते। लोगों ने बता दिया इनको कि आप संविधान नहीं बदल सकते, पूरी मेजोरिटी नहीं दी इसीलिए इनको, और इसलिए मैं ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सभी को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। माननीय चेयरमैन जी, 22 तारीख को बजट पेश हुआ, मुझे बड़ी खुशी थी कि बजट में जा रहे हैं। पहली बार आया हूं सदन में, जलंधर के लोगों का धन्यवाद है जिन्होंने मुझे यहां खड़ा किया ले आकर, उन वोटरों का धन्यवाद है। मैं नए कपड़े डालकर आया कि बहुत कुछ मिलेगा आज देश में देखने को, बताने को। पंजाब में जाकर मैं और सारे एमपी हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि देखो क्या क्या मिला, नए कपड़े मिले जैसे आया मैं। लेकिन यहाँ आकर खोदा पहाड़ लिकड़ा चूहा भी नहीं, कुछ नहीं मिला हमें। पूरा मतरई माँ वाला सलूक किया गया हमारे साथ, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स नहीं हुआ। ये सरकार हर नागरिक को बराबर नहीं देख रही है। चश्मा राजनीति वाला लगाया हुआ है, राजनीतिक चश्मे से देखा गया है, अपनी सरकार बचाने का फिक्र है, कुर्सी को पकड़े हुए हैं। और ये बजट देश बचाने वाला नहीं है, सिर्फ अपनी सरकार बचाने वाला है।
हर रोज इमरजेंसी की बात कहते हैं करते हैं कि इमरजेंसी, लेकिन जो देश में आज अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है उसका क्या है? इमरजेंसी ये भी है कि एक मशहूर नौजवान जो एक मशहूर सिंगर था उसको गोलियों मार के मार दिया गया। आज तक सिद्धू मूसेवाला उसके परिवार को इंसाफ नहीं मिला, वो दर दर भटक रहे हैं। ये भी इमरजेंसी, ये भी इमरजेंसी है। इमरजेंसी ये भी है कि 20 लाख लोगों द्वारा, 20 लाख लोगों द्वारा पंजाब में मेंबर पार्लियामेंट चुना गया और वो NSA लगाकर अंदर रखा हुआ है। फ्रीडम ऑफ स्पीच उसकी कंस्टिट्यूएंसी के लोगों की बात यहां नहीं रख पा रहे। ये भी इमरजेंसी है। इमरजेंसी ये भी है प्रधानमंत्री जी गिर रहे हैं या रुपया गिर रहा है। कभी कभी तो लगता है कि रुपये की और सरकार के बीच कंपटीशन चल रहा है कि सरकार ज्यादा गिर रही है या रुपया ज्यादा गिर रहा है। और मोदी जी ने कहा था जिस देश का रुपया कमजोर होता है उस देश की सरकार कमजोर होती है, उस देश का प्रधानमंत्री कमजोर होता है। मैं आज कहता हूं कि आज देश का रुपया कमजोर हो रहा है, आज देश की इकॉनमी डूब रही है। क्या देश का रुपया कमजोर हो रहा है या प्रधानमंत्री जी कमजोर हो गए हैं या देश की सरकार कमजोर हो रही है? तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या क्या बेचोगे, कितना बेचोगे देश को? मैं सात एयरपोर्ट पे गया, मैं सात एयरपोर्ट पे गया जिनमें लखनऊ, अहमदाबाद, मैंगलोर, जयपुर, गुवाहाटी, त्रिवेंद्रम, मुंबई, ये सात के सात एयरपोर्ट अडानी जी की है। 50 साल के लिए उनको दे दिए गए हैं, उनका जो पुत्र है उसकी शादी में गिफ्ट कर दिए गए हैं और हजारों करोड़ रुपए शादी पे लगा। मेरे लड़के की शादी गुरुद्वारा में हुई। सुनो माननीय चेयरमैन जी, मेरे लड़के की शादी गुरुद्वारे में हुई। आज तक पुलिस पूछ रही है कि लंगर में क्या क्या पका था, दाल कितनी लगी थी और जो लंगर बनाने वाला उसको कितने पैसे दिए गए। आज तक 2 साल से पुलिस पूछ रही है मुझे। और इस शादी में हजारों करोड़ रुपया लगा है और प्रधान जी बुके लेकर जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी और उनका स्वागत कर रहे हैं। गरीब को लूटा जा रहा है, गरीब के पास खाने के लिए पैसा नहीं है और प्रधानमंत्री जी वहां बुके लेकर हजारों करोड़ की शादी में जा रहे। उन्होंने मेरा नाम लिया, मेरे दादाजी सरदार बेंत सिंह जी, उन्होंने कुर्बानी देश के लिए दी, कांग्रेस के लिए नहीं दी, देश के लिए दी। और ये इस चन्नी की बैठो। ये अपनी जायदाद पूछे इनको, ये आप गरीबी की बात कर रहे हैं? अगर सारे पंजाब से सबसे अमीर आदमी ये ना हो और सबसे करप्ट ना हो, मैं अपना नाम बदल दूंगा। हजारों करोड़ का मालिक ये चरणजीत चन्नी है। और ये गोरा किसको कह रहे हैं? माननीय सदस्य सोनिया गांधी जी, वो कहां के हैं ये पहले बताएं भाई। सोनिया गांधी जी कहां के हैं? ये सबसे मीटू में, ये सारे केसों में ये सबसे करप्ट है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।